हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द आरुज किचन। सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें, आगे आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज हम क्रीमी मशरूम की सब्जी बनाएंगे। मशरूम खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और ये हेल्दी होती है, इसमें विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा होता है। इसको बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल के उसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, मैंने 2 प्याज लिए हैं, और कुछ कलियां लहसुन की, और इनको हिलाते हुए हम जब तक पकाएंगे जब तक हमारे प्याज जो है वो हल्के भूरे रंग के हो जाएं। अब देखिए हमारे प्याज लगभग भुन गए हैं, हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने कटे हुए टमाटर। मैंने 3 टमाटर लिए हैं मध्यम आकार के, इनको अच्छे से मिला देंगे और हमारे टमाटर प्याज को अब हम तब तक भूनेंगे जब तक हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। मैं इनको ढक के पका रही हूँ, आप चाहें तो ढक के पका सकते हैं या फिर आप इसको ओपन भी पका सकते हैं। बीच बीच में आप चेक कर लीजिएगा, इसको पकाने में लगभग 7-8 मिनट लगते हैं। अब देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल के और अच्छे से पीस लेंगे। इसको पीसने के बाद कढ़ाई में हम फिर से डालेंगे 2 चम्मच तेल और 1 चम्मच जीरा। जब जीरा हमारा हल्का भूरा हो जाएगा तो इसमें खड़े मसाले डालेंगे, कुछ सिनेमन स्टिक्स, 2-3 लाल मिर्ची सूखी हुई, 3-4 क्लोव्स, कुछ हरी इलायची जो कि मैंने तोड़ के डाली है, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। तो कुछ सेकेंड भुनने के बाद हम डालेंगे इसमें 2 तेज पत्ते तोड़ के, उनको अच्छे से मिला देंगे। जब हमारे खड़े मसाले हल्के भुन जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे कुछ काजू के टुकड़े जो कि ऑप्शनल है, और इनको 20-30 सेकेंड के लिए हल्का सा भून लेंगे। अब हम डालेंगे अपना पिसा हुआ टमाटर प्याज का मिश्रण। और अपने सूखे मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्ची, कसूरी मेथी लगभग 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, और इनको अच्छे से मिला के हम अपने मसालों को जब तक पकाएंगे जब तक कि वो तेल छोड़ दें। ढक दीजिए और इसको 4-5 मिनट तक पकने दीजिए। जब हमारा मसाला पक जाएगा तो हम इसमें डालेंगे काट के अपनी मशरूम और 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक या फिर टेस्ट के हिसाब से, और अपने मशरूम के साथ मसाले को 4-5 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे 1 कटोरी पानी। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इस सब्जी के अंदर पानी ज़्यादा नहीं रखा जाता है। और इसको क्रीमी बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ जो 2 चम्मच घर की मलाई, आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं या फिर इसकी जगह पे आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिला देंगे और अब हम अपनी मशरूम को ढक के तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी मशरूम थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। इसको पकने में लगभग 10 से 12 मिनट लगते हैं, आप इसको बीच में चेक कर सकते हैं। हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब हम इसको गार्निश करेंगे 2 चम्मच मलाई के साथ जिसको मैंने थोड़ा फेंट लिया है, और इसको अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि मुझे ये क्रीमीनेस इसमें रखनी है। हमारी सब्जी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।